अभी तक आपने हिमालय के योगियों के बारे में सिर्फ सुना ही होगा, लेकिन आप ये पूरा वीडियो देखिएगा जिसमें हम बताएंगे एक अद्भुत योगी के बारे में जो हिमालय पर रहते हैं। आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कहा जाता है कि हिमालय पर कई योगी हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल है, लेकिन कभी इनकी झलक भी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं शून्य से भी कई डिग्री नीचे के तापमान पर सिर्फ लंगोट में साधना कर रहे योगी से। ये योगी शून्य से करीब 20 डिग्री नीचे बर्फ के बीच में रहते हैं। इनकी उम्र कितनी है कोई नहीं जानता। इस वीडियो को इंडियन आर्मी के किसी सैनिक ने बनाया है। इस वीडियो में दिखाई देता है कि इंडियन आर्मी के सैनिक इस साधु की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सैनिकों को इस स्थान पर किसी इंसान की मौजूदगी से पहले तो हैरत होती है और वे सावधान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वीडियो बनाने लगते हैं और सामने का नजारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान पर आखिर कोई इंसान कैसे बिना कपड़ों के जी सकता है। ये कोई योगी है या कोई बहरूपिया या फिर सैनिक कोई चमत्कार देख रहे हैं। इन योगी को देखकर सैनिक जय श्री राम चिल्लाने लगते हैं। लेकिन योगी तो मानो अपनी ही फकीरी मस्ती में चले जाते हैं। इन योगी के साथ एक कुत्ता भी नजर आता है और योगी के साथ वो ऐसे घुला मिला नजर आता है मानो सालों से वे एक दूसरे के साथ हो। सैनिक इन योगी को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपने ही आत्म आनंद में मस्ती ये साधु पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लगते हैं, उछलते कूदते बर्फ पर फिसलने लगते हैं और उनका साथ देता है उनका ये खास कुत्ता। थोड़ी देर के बाद ही ये योगी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल बहुत सारे अधूरे रह जाते हैं। आखिर इतनी ठंड में बिना कपड़ों के भी ये योगी कैसे जिंदा रहते हैं? क्या इनकी कोई झोपड़ी है या फिर ये किसी गुफा में रहते हैं? आखिर ये कहां से आए हैं? इनकी उम्र क्या है और ये किस इलाके में रहते हैं? सवाल कई सारे थे। कहा जाता है कि योगी अपने शरीर को अंदर से इतना गर्म कर सकते हैं कि बाहर की ठंड का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या ये ऐसे ही कोई सिद्ध योगी है या ये ऐसे महापुरुष हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है? अभी तो हम यही कह सकते हैं कि सनातन धर्म अद्भुत है, जहां व्यक्ति अपने विकास के शीर्ष पर पहुँच सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।